town and cities in pre-colonial times. Before going to understand the growth of colonial cities, we have to understand the urban centers during the centuries preceding British rule. Means, colonial cities ki growth ko samajhne se pehle, we have to understand pre-British urban centers. For example, urban centers developed during the ancient period as a religious city. For example, Mathura, Varanasi, Madurai, etc. Or from Mughal period, administrative and political cities like Lahore, Agra, Delhi. What give towns their character? वो कौन सी चीजें हैं जो किसी को टाउन बनाती हैं? वो कौन से ट्रेट्स हैं? वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं? Which is necessary to say the trait of cities, जिसको हम किसी सिटीज का गुण मानते हैं, कैरेक्टर मानते हैं, वो कौन सी चीजें हैं? Town were defined in opposition in to rural areas. In very simple ways, we can say that town is opposition to rural. यानी कि जो rural नहीं है या rural के विपरीत trait को जो रखते हैं वो town होते हैं. They came to represent a specific form of economic activities and culture. Town has a different to rural areas. उसकी economic activities and उसकी cultural activities दोनों उसकी different होती है या you can say specific होती है, अलग होती है. In the countryside, people subsisted by cultivating land, foraging in the forest or rearing animals. कंट्रीसाइड एरिया के लोगों की जो एक्टिविटीज होती हैं, सब्सिस्टेड एक्टिविटीज यानी कि उनके जीवन को जीवन निर्वाह की जो एक्टिविटीज होती है वो प्राइमरी फील्ड से होती हैं. जैसे वो कल्टीवेशन करते हैं, फॉरेजिंग इन द फॉरेस्ट, जीवन उनका जो है जंगलों के हिसाब से होता है, एंड रेयरिंग एनिमल्स या एनिमल्स को देख रेख करते हैं. Towns, by contrast, were peopled with artisans, traders, administrators, and rulers. Countryside के different, unlike countryside, जो towns होते हैं, उनके लोग जो होते हैं, artisan होते हैं, traders होते हैं, administrators होते हैं, rulers होते हैं. Towns dominated over the rural population, thriving on the surplus and taxes derived from agriculture. जो town के लोग होते हैं उनकी life depend होती थी जो rural area होते थे, जो countryside होते थे. Countryside में जो taxes produce होते थे और जो grain produce होता था वो जो है city के जो dwellers होते थे उनके जीवन के लिए जरूरी होता था. However, the separation between town and country was fluid. अभी हमने ऊपर बात की कि किस तरीके से जो countryside हैं और जो town हैं उनके बीच में जो differences हैं, वो differences पहला जैसे कि economics को लेकर के, economic activities को लेकर के है, और दूसरा जो है जैसे कि उनकी life किन चीजों पर डिपेंड करती है, यानी कि टैक्सेशन वगैरह को लेकर के है, और तीसरा जो है जो कंट्रीसाइड है वो सेपरेट होती है वॉल को लेकर के. टाउन एंड सिटीज वेयर ऑफ्टन फोर्टिफाइड बाय वॉल्स विच सिंबलाइज्ड देयर सेपरेशन फ्रॉम द कंट्रीसाइड. यानी कि टाउन और वॉल्स के बीच में एक वॉल होती थी जो दोनों के बीच में एक डिफरेंट को दिखाती थी. यानी कि एक तरफ वॉल, एक तरफ जो है कंट्रीसाइड हुआ करता था और एक तरफ
वाल होते थे, टाउन एरिया होता था, और ये चीजें बताती थी कि टाउन और रूरल एरिया के बीच में डिफरेंस है। लेकिन जिस सेपरेशन की हमने अभी बात की है, यानी कि दोनों के जो डिफरेंस की जो बात हमने की है, वो इतना रिजिड नहीं था, बल्कि वो एंड कंट्री वॉज फ्लूड, हाउएवर द सेपरेशन बिटवीन टाउन एंड कंट्री वॉज फ्लूड, जो डिफरेंस था वो ही एक बहुत ही चेंज होने वाला जैसा था, कि वो हमेशा उसमें कंटिन्यूसली चीज़ें बदलती रहती थी, और शहर की मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन दोनों के बीच में रहता था, दोनों के बीच में कुछ चीज़ों का लेकर के, जैसे यहाँ की चीज़ें इस क्षेत्र में जाती थी, इस चीज़ों के क्षेत्र एक बहाव लगातार एक दोनों के बीच में चीज़ों का बहाव होता रहता था। पीजेंट्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस ऑन पिलग्रिमेज पासिंग थ्रू टाउन्स, दे ऑल्सो फ्लॉग्ड टू टाउन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ फेमाइन, यानी कि जो गांव के लोग होते थे, चाहे वो पिलग्रिमेज के रूप में, चाहे वो रास्ते के रूप में टाउन से गुजरते थे, और चाहे वो किसी फेमाइन वगैरह के समय फ्लॉग्ड होते थे, शहरी एरिया में जाकर के रहते थे, मीन्स वहाँ पर शहरी एरिया में जाकर के वो इकट्ठे रहते थे। बिसाइड्स देयर वॉज ए रिवर्स फ्लो ऑफ ह्यूमन एंड गुड्स फ्रॉम टाउन टू विलेज, चीज़ें केवल गांव से शहर की तरफ नहीं होती थी, बल्कि शहर के लोग गांव आते थे, शहर की चीज़ें गांव की तरफ आती थी। वेन टाउन्स वेयर अटैक्ड पीपुल ऑफ्टन सॉट शेल्टर इन द कंट्री साइड, ट्रेडर्स एंड पेडलर्स टू गुड फ्रॉम द टाउन टू सेल इन द विलेज, जब भी कभी सिटीज के ऊपर बाहरी किसी बाहरी किंगडम के द्वारा अटैक होता था, तो जो सिटीज के लोग होते थे, एक्चुअली वो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे और नोबल फैमिली के होते थे और किंग की फैमिली के होते थे, वो लोग भाग करके कंट्री साइड में छिपते थे, और दूसरे जो ट्रेडर्स होते थे शहरों के और जो पेडलर्स होते थे, वो अपनी चीज़ों को शहर से लेते थे और आकर के गांव में बेचते थे। इस प्रकार से एक फ्लो रहता था शहर और गांव के बीच में, हमेशा बना रहने वाला फ्लो। प्री कॉलोनियल एरिया के जो सिटीज थे उनका ये मेन प्रॉपर्टी हुआ करती थी। ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी द टाउन बिल्ट बाय द मुगल वेयर फेमस फॉर देयर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, देयर मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग एंड देयर इंपीरियल ग्रैंडनर एंड वेल्थ। जो मुगल पीरियड की बात अब आती है, मुगल पीरियड के शहर जो काफ़ी मॉन्यूमेंटल हुआ, उनकी बिल्डिंगें बड़ी मॉन्यूमेंटल हुआ करती थी, शहर जो है ग्रैंडनर थे, वेल्दी हुआ करते थे। आगरा एंड दिल्ली लाहौर वेर इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो मुगल पीरियड में जो शहर हुआ करते थे, दैट सिटीज वेर द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड पॉलिटिकल पावर, और जो यानी कि वहां पर ये सारे लोग रहा करते थे, और जो दूसरे सिटी के बाहर जो मनसबदार या जागीरदार जो लोग वहां पर होते थे, हु वेयर असाइंड टेरिटरीज इन डिफरेंट पार्ट, जो लोगों को जो मनसबदार और जागीरदारों को डिफरेंट एरिया में दूसरे दूसरे काम सौंपे गए थे, दे ऑल्सो हैव एटलीस्ट ये रेजिडेंस इन दिस सिटी, इन शहरों में इनके भी रेजिडेंस हुआ करते थे। वाई? बिकॉज दिस सिटी हैड बीन द पावर ऑफ सिंबल ऑफ द पावर एंड स्टेटस, ये जो शहर होते थे यहाँ के रहने वाले लोगों को पावर और प्रतिष्ठा का वो सिंबल माना जाता था। एम्परर एंड नोबल्स इन दीज सेंटर्स मीन दैट ए वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैड बीन प्रोवाइडेड, यानी कि जो अमीर लोग होते थे, जो रूरल एलिट था, जो इन सिटीज में रहता था, इन रूरल एलिट के इन सिटीज में रहने के कारण दे नीड वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, इनको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती थी। आर्टिजन्स गेव हैंडीक्राफ्ट टू दीज फैमिलीज, और जो शहर के नोबल्स के साथ साथ जो दूसरे ड्वेलर्स रहते थे, दे नीड ग्रेन, आर्मी नीड ग्रेन, वो भी कंट्री साइड से पूरा होती थी। द ट्रेजरी लोकेटेड इन इम्पीरियल कैपिटल, जो इम्पीरियल कैपिटल होती थी, जो राजधानी होती थी, वहाँ पर ट्रेजरी हुआ करती थी।
Thus, the revenues of the kingdom flowed into the capital regularly. कहने का तात्पर्य है जो कैपिटल होती थी, जो इंपीरियल कैपिटल होती थी, उस तरफ वहां पर हमेशा जो रेवेन्यू जो जनरेट होता था पूरे पूरे कंट्री में या पूरे किंगडम जो रेवेन्यू जनरेट होता था वह हमेशा राजधानी की तरफ उसका फ्लो होता था. द इंपीरियल लिव्ड इन द फोर्टिफाइड प्लेसेस एंड द टाउन वाज इनक्लोज्ड बाय अ वॉल विथ एंट्री एंड एग्जिट बीइंग रेगुलेटेड बाय डिफरेंट गेट्स. मैंने पहले कहा कि जो सिटीज होते थे और उसमें से जो एम्परर का जो हाउस होता था, दरअसल एम्परर का हाउस ये फोर्टिफाइड होता था, ये किला होता था जो कि उसका एक एग्जिट होता था, एंट्री होती थी, एग्जिट होता था और उस पर बड़ा ही पहरा होता था. विद इन दीज टाउन्स, और जो ये टाउन होते थे यहाँ पर चूंकि रूरल इलिट रहता था इसलिए लगभग जो भी सर्विसेज की जितनी भी चीज़ें उस समय मौजूद थी उनकी चीज़ें, गार्डन हुआ करते थे, मास्क हुआ करती थी, टेम्पल हुआ करते थे, टॉम हुआ करते थे, कॉलेजेस, बाजार, बैद खाना और ये जो ट्रेडर्स. द फोकस ऑफ द टाउन्स वाज ओरिएंटेड टुवर्ड द पैलेस एंड द प्रिंसिपल मार्क्स. यानी कि जो भी एक्टिविटी उस किंगडम की होती थी उनका सेंटर कहाँ होता था, उनका सेंटर द प्रिंसिपल मास्क. उस समय जो भी एक्टिविटी सिटी के अंदर या किंगडम के अंदर होती थी, द फोकस ऑफ द टाउन वाज ओरिएंटेड टुवार्ड द पैलेस. उसके दो सेंटर हुआ करते थे, आइदर पैलेस और प्रिंसिपल मास्क, या तो राजा का यानी कि राजघर या तो जो राजा जो राज मस्जिद हुआ करती थी. नाउ इन द सेम पीरियड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिटीज ऑफ साउथ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल मदुरई एंड कांचीपुरम. जो साउथ इंडिया के सिटीज होते थे वो एक्चुअली रिलीजियस सिटी थे, वहाँ पर टेम्पल, ऑल द एक्टिविटीज वेयर डिपेंड्स अपॉन द टेम्पल. सारी गतिविधियाँ टेम्पल के ऊपर, वहाँ पर मोस्टली गतिविधियाँ टेम्पल से रिलेटेड होती हैं. दीज टाउन्स वेयर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर्स, रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ्टन कोइंसाइड विथ फेयर्स. जो सिटीज होते थे वो वहाँ पर कोई ना कोई टेम्पल होता था, और इसीलिए चूँकि बाहर से जो पिलग्रिमेज आते थे सारी गतिविधियाँ उस टेम्पल के इर्द गिर्द होती थी उस सिटी में, और टेम्पल के साथ साथ फेस्टिवल होते थे, इसके कारण भी जो एक्टिविटीज होती थी उससे रिलेटेड होती थी, उससे जुड़ जाती थी. जनरली द रूलर वॉज द हाइएस्ट अथॉरिटी एंड द प्रिंसिपल पेट्रोन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. और जो वहाँ का रूलर होता था वो जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते थे उनका, उनको वो प्रोटेक्ट करने वाला होता था, उनका प्रोटेक्शन उसके वो पेट्रोन होता था और वो हाइएस्ट अथॉरिटी होता था. दीज रिलेशनशिप दैट ही हैड विथ अदर ग्रुप्स एंड क्लासेस डिटरमाइंड देयर पैलेस इन सोसाइटी एंड इन द टाउन. मिडिल पीरियड में प्लेसेस वेयर एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टेड टू नो देयर पोजिशन इन दिस सोशल ऑर्डर डोमिनेटेड बाई द सोशल रूलिंग एलिट. मिडिल पीरियड की जो सोसाइटी का जो एक मेन उसका प्रॉपर्टी थी कि जो लोग थे सबके पास अपनी एक सोसाइटी में एक स्टेटस हुआ करता था, एक पोजीशन हुआ करती थी और उस पोजीशन को लेकर के उनके कुछ रोल हुआ करते थे, और वो उस रोल को करते थे. अगर सभी लोग अपने रोल को करते थे तो उसे हम बोलते थे सोसाइटी इन ऑर्डर, और ऑर्डर में कुछ नहीं, कुछ लोग अगर ऑर्डर के बाहर करते थे, जो उनको प्रिस्क्राइब्ड वर्क होते थे वो नहीं करते थे, तो इसे कहा जाता था द प्रॉब्लम ऑफ रूल एंड लॉ, रूल एंड ऑर्डर. और रूल एंड ऑर्डर को देखने वाला उस समय जिम्मेवार अफसर था कोतवाल, हु ओवरसॉ द इंटरनल अफेयर्स एंड पुलिसिंग. पुलिस के माध्यम से और अन्य स्पाई के माध्यम से वो चीजों को देखता था और उन पर कंट्रोल रखता था. इस प्रकार से हमारे ये टॉपिक व्हाट गेव टाउन देयर कैरेक्टर, यानी कि प्री ब्रिटिश ईरा में कौन कौन सी चीज़ें टाउन का करैक्टर हुआ करती थी, कौन कौन सी चीज़ें टाउन के बारे में थी, हम बात किए हैं. हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे चेंज इन द 18th सेंचुरी, यानी कि
प्री ब्रिटिश ईरा के जो सिटीज थे उनमें 18 सेंचुरी में क्या चेंजेज आए, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, और अगर आप अभी तक हमारे क्लास के स्टूडेंट नहीं बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।